लेकिन इस बीच जो हमने बड़ी खबर बताई थी यूपी की, जहां पर कोरोना पॉजिटिव के 4 नए मामले सामने आए हैं, और हमने आपको ये भी बताया था कि 3 नोएडा और 1 बागपत में भर्ती हुए हैं, सभी के सैंपल की जांच लखनऊ में हुई है। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, इन सभी की क्या हिस्ट्री थी, ट्रैवल हिस्ट्री थी क्या, के बाद उनको कोरोना उनको पॉजिटिव पाया गया है, उसमें पहले सिम्टम्स पाए गए, उसके बाद जांच की तो कोरोना पॉजिटिव उसमें पता चला है। कुल 42 मामले हो गए अब तक, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव ने भी अपडेट किया कि कुल 42 मामले हो गए हैं और कोरोना पॉजिटिव के अब तक 8 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं, बाकी सबका इलाज चल रहा है और लोग ना निकले बार बार। देखिए जो सरकार जो बार बार कोशिश कर रही है लॉकडाउन के दौरान भी कि लोग अपने घरों से ना निकले, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जो बार बार कहा जा रहा है, इसीलिए देखिए इतने आज करीब 1,00,000 फूड पैकेट्स, आप बिलीव कर सकती है 1,00,000 फूड पैकेट्स आज तैयार करके अलग अलग जगहों पर उनको बांटा गया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, ये थोड़ा सा गंभीर भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग लखनऊ की सीमा को छूते हुए या यूपी की सीमा को छूते हुए ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है।